नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। उत्तर प्रदेश के संबल में विश्व हिंदू महासंघ के पूर्व जिला अध्यक्ष पुलेंद्र कुमार यादव के खिलाफ SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। जमीनी विवाद को लेकर पूरा विवाद होना बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित अमिताभ चंद्रा की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि संबल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के बदायूं रोड पर कुछ दिन पूर्व 20 बीघे जमीन के मालिक तरुण अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल व सौरभ चावला अपने कर्मचारियों को लेकर जमीन पर कार्य करने पहुंचे थे। वहीं पर विश्व हिंदू महासंघ के पूर्व जिला अध्यक्ष पुलेंद्र कुमार यादव का आवास था। पुलेंद्र कुमार का आरोप है कि 20 बीघे जमीन में कुछ जमीन सरकारी हो सकती है, ऐसी उन्होंने आशंका जताई थी, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां पर माहौल मारपीट वाला हो गया। वही पीड़ित अमिताभ चंद्रा का आरोप है कि वह अपने मालिक तरुण अग्रवाल के साथ जमीन पर पहुंचा था, जहां पर पहले से ही पुलेंद्र कुमार यादव अपने अन्य सहयोगी के साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की, जिसके बाद उन लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर विश्व हिंदू महासंघ के पूर्व जिला अध्यक्ष का आरोप है कि इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, उन्हें चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने अमिताभ चंद्रा की तरफ से पुलेंद्र कुमार पर भी मारपीट और गाली गलौज का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही पीड़ित का कहना है कि विश्व हिंदू महासंघ के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वह अपने हिंदूवादी संगठन का रौब जताकर जमीनों पर कब्जा करना, लोगों को डराना धमकाना, इस तरह से अवैध वसूली का कार्य कर रहे हैं। संबल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। पुलेंद्र सिंह हमारे साथ ऐसा है कि बदायूं रोड पर बृजधाम कॉलोनी के सामने मेरा मकान है और मेरे मकान के आगे एक प्लॉटिंग की जमीन है, क्योंकि गिरीश मामा और ओम प्रकाश चावला जी और उनके अन्य कई साथी हैं, तो वो आए थे और आके मेरे मकान के आगे निर्माण करने लगे। हमने उनसे कहा कि आपकी जो भी ज़मीन है, आपने जो ली है भाई, आपका जो भी रकबा है, जैसे भी आप अपना तमाश कराओ, मत कराओ, घेराबंदी कराओ, अपनी आप ले लो। जब इस चीज़ का विरोध किया तो वो लोग गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने लगे उनसे, और धमकी देने लगे कि हम ये करा देंगे, वो कराएंगे, तू हमें जानता नहीं, ऐसे वैसे नहीं है। हाँ, उनकी ज़मीन जो है वो मौके पर बहुत ज़मीन ज़्यादा है, उन्होंने मतलब कब्ज़ा रखी है बहुत ज़्यादा करके, और इसीलिए वो लोग नपत नहीं करा रहे हैं अब तक। हम तो चाह रहे हैं कि अपना जो भी है अपना ले लें, हमें किसी को कुछ नहीं चाहिए। अब है क्या कि वो धनाढ्य व्यक्ति हैं सर के, और कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं उन्हीं की तरफ से, मुझे परेशान किया जा रहा है बहुत ज़्यादा करके, और मैं बहुत ज़्यादा डरा समय हुआ हूँ। वो लोग भूमाफिया हैं और उनका कई जगह इसी तरीके का उन्होंने कई प्रॉपर्टियाँ कब्जा रखी हैं, और उनके नाम हैं गिरीश अग्रवाल जो कि मामा नाम से फेमस हैं, सौरभ चावला जी हैं, और एक उनके बेटे तरुण अग्रवाल गिरीश मामा के बेटे हैं, और सौरभ चावला हैं, और उनके साथ तो कई 6-7 लड़के और भी हैं, जिनको मैं अगर सामने आएंगे तो पहचान लूँगा। ये है, ये लोग हैं, राहुल अग्रवाल जी हैं, ये लोग सभी लोग हैं, और अन्य करीब 6-7 लोग और भी साथ में थे, जिनको मैं नाम से नहीं जानता हूँ, सामने आएंगे तो पहचान लूँगा। तो मेरे साथ ये लोग आए तो गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे, मेरे घर पर आकर बदतमीजी की उन लोगों ने और धमकाने लगे मुझे कि मैंने प्रार्थना पत्र दिया, जब मुझे लगा मैंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मैं प्रार्थना पत्र दिया लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये शहर के धनाढ्य व्यक्ति हैं और पैसे के बल पर ये कुछ भी कर सकते हैं, इस चक्कर से मुझे अपनी जान का खतरा है, ये मेरी हत्या भी करा सकते हैं पैसे किसी को देकर, तो मैं बहुत डरा सहमा हूँ इन लोगों से, इसलिए अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मैंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था और उसकी मैं FIR कॉपी लेने आया। मैं हिंदू संगठन से हूँ, विश्व हिंदू महासंघ का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ उस समय, और अभी फिलहाल मुझे कोई अपनी जिम्मेदारी दी नहीं है। अच्छा, आपके खिलाफ एक मुकदमा चंदौसी कोतवाली में दर्ज कराया गया है। पुलेंद्र कुमार जो हिंदूवादी संगठन से हैं, उन्होंने अपनी जान माल का आपसे खतरा बताया है और जमीन को लेकर विवाद किया है, पूरी जानकारी का मेरे पास, मेरा 20 बीघे का ये बैनामा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मेरे नाम और मेरे बेटों के नाम है और मेरे पार्टनर के नाम है, जिसका इनसे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने मकान भी बढ़ा के बना रखा है और इन्होंने सरकारी सड़क पे आज भी कब्जा है, कम से कम 10 मीटर ऊंची बना रखी है सरकारी सड़क जिस पर इनका कब्जा है, और जब हम अपनी दीवार लगाने पहुंचे तो हमारे लड़कों से इन्होंने मारपिटाइयां करी और इन्होंने इनकी सब औरतों ने डंडों से वहां पर पीटा है,
तो अपनी साइड के सेफ के लिए मैंने अपनी फैक्ट्री के कुछ लड़के वहाँ बुला लिए थे भाई हम बच जाए फिटनेस है। वहाँ कम से कम 150-200 आदमी था इनकी तरफ से और ये इनके बारे में दुनिया को पता है कि कितने ताकतवर हैं कितने वो हैं और योगी जी का नाम लेकर लेटर पैड लेकर ये उसका मिस यूज कर रहे हैं और उसमें बहुत छोटे अक्षरों में पूर्व लिख रखा जिसके ये अधिकारी नहीं है। अच्छा जैसा उनका आरोप है कि कुछ जो जमीन आपके बेनामा है उसके अतिरिक्त कुछ ग्राम समाज के पीडब्ल्यूडी मैंने तहसीलदार साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दे रखी है कि साहब मेरी जमीन ये नब्बा दी जाए है? तो तहसीलदार साहब बोले जी जमीन ऐसे नहीं नपती है 100 रुपए का 100,000 रुपए की रसीद कटवाइए और चारों तरफ की खतौनियाँ लाइए जिसमें चारों तरफ बिल्डिंगें बन चुकी हैं हम कहाँ से खतौनियाँ लाएं उसकी। और ये इसके कोई मालिक नहीं है जो हम पे बेजा दबाव बना रहे हैं क्योंकि इनका मकान पीछे है ये आगे आना चाहते हैं। हमारी 550 गज जमीन आज जो हमारी लाखों पहले जो लाखों की थी आज वो बहुत पैसों की जमीन है उसको ये कब्जा करना चाहते हैं और ऐसे ही इन्होंने खुर्जा गेट में एक जमीन कब्जा करी वहाँ पर औरतों ने मार के भगाया उसके खिलाफ इनके यहाँ भूमाफिया की रिपोर्ट लिख चुकी है 17 तारीख को। अच्छा थाने में खड़े होकर उन्होंने आपको भी भूमाफिया बताया और आपके जो साथी मेरे खिलाफ इससे पहले कोई भूमाफिया की रिपोर्ट हो या कोई ऐसा हो मैंने कब्जा करा हो तो ये मुझे बताए। अच्छा मैं एक व्यापारी आदमी हूँ मेंथा का मेरा एक मेंथा का व्यापार है मैं वो व्यापार करता हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.